बजाय रोने को मन कर रहा है क्योंकि यह बच्ची सुरक्षित इस समाज में नहीं है। लेकिन आज मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि हम जो भी जो गलत हो रहा है उनके लिए सरकार भी अपने कदम उठा रही है, सख्त से सख्त हम कानून लागू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाज में सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। जो मैं सभी पुरुष के लिए मैं क्वेश्चन मार्क नहीं कर रही हूँ, मैं सवाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसे जो दरिंद जो गलत करने वाले काम करने वाले लोग हैं उनको जीने का कोई हक नहीं है। हैंग दम टिल द डेथ, कोई भी हो, चाहे उन्नाव का जो संगठन हो या हैदराबाद का जो प्रियंका रेड्डी हो। मैं आपसे अपील करती हूँ, जनता से अपील करती हूँ, सरकार से अपील करती हूँ, आखिर हम कब तक ये इसमें कोई भी इसमें कोई जात का हो, कोई भाषा का हो, कोई भी राष्ट्र का हो, लेकिन उनको जीने का कोई हक नहीं है। उनको जब गलती करते हैं तो उन खास तौर हम लोग ये आपसे भी सवाल करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने निर्भया की बात कर रहे हैं, निर्भया होने के बाद अब 6 साल खत्म हो रहा है, 7 साल लगभग खत्म होने को आ रहा है, लेकिन जो गलत किया था उनको सजा क्यों नहीं मिल रहा है? इन लोगों को फास्ट ट्रैक में रखे, इनको सजा देना ही चाहिए। लेकिन आज प्रियंका रेड्डी एक डॉक्टर है, हमें गर्व है कि एक बेटी डॉक्टर होके अपने समाज के लिए सेवा कर रही है, उसके लिए ऐसे 4 लोग हैवान जो लोग है उनके ऊपर उनको हत्या किया है और उसको मार डाला है और जला भी दिया है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि प्रियंका रेड्डी का जो पुलिस को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मैं जो उनके माँ बाप से मुझे बात करने को मौका मिला और उनके दर्द को मुझे शेयर करने के लिए भी एक मौका दिया है। तो मैंने उनसे कहा है, उनके पापा से, बाबूजी आपके दुख हमारे सबके लिए है,